हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। गाइस, आज ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने पूरा फाइनल एकदम पूरा आप जीआर बोल सकते हो, पूरा सर्कुलर रिलीज़ कर दिया पूरा एग्ज़ाम का। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते गाइस, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार प्लीज़ हार्डली 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, पूरा सुन लेना एंड तक, उसके बाद कुछ और बात कर लेंगे। ठीक है गाइस, प्लीज़ फोकस कीजिएगा, लेट्स ट्राई। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल, ये सर्कुलर, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता बिकॉज ये अपने महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा गाइस, एक एक पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट में लोग बात कर रहे, जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको पीछे बैकलॉग है, तो सिंपल बोला है फर्स्ट पॉइंट में, जो भी स्टूडेंट है फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसको बैकलॉग है, ATKT है, और उसने अगर फॉर्म भरा होगा ATKT बैकलॉग का तो ही उसको एग्ज़ाम मिलेगा देने के लिए। वेरी क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट ये बोला है। सेकंड पॉइंट, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करोगे तो कहाँ से मिलेगा गाइस। सेकंड पॉइंट ये बोला है गाइस, जो भी कॉलेज है स्टूडेंट्स के पूरे डिटेल्स, जैसे PNR नंबर क्या होता है, पूरे स्टूडेंट की डिटेल्स, रोल नंबर से लेकर स्टैंडर्ड से लेकर सब कुछ, वो किसको सेंड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को सेंड करना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट के पास वेदर पर्टिकुलर मोबाइल है, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, ये सब है कि नहीं। मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ गाइस, प्लीज़ फोकस कीजिएगा, मैं इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको शायद फिल करके देना होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, PNR नंबर, प्रोग्राम्स का डिटेल। तो गाइस, ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके देना होगा। आप देख सकते हो फॉर्मेट, देख लीजिए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट का नेम, PNR नंबर, आप कौन से कोर्स से हो, ईमेल, व्हाट्सअप नंबर, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर, डू यू हैव स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट, ये सब का डिटेल आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैन यू अरेंज मोबाइल लैपटॉप फॉर एग्ज़ाम नॉन अवेलेबिलिटी, अरेंज कर सकते हो क्या, आपका करंट लोकेशन क्या है, क्या आप डिजेबल पर्सन हो, हैंडीकैप हो, ठीक है, ये सब। या और लास्ट पॉइंट, इसके पहले आपको क्या बैकलॉग ATKT आपको है, इसके पहले उसका डिटेल आपको सेंड करना पड़ेगा, मतलब ये आपको फिल करके कॉलेज को देना पड़ेगा, कॉलेज फिल पूरा डिटेल्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करेगा इस, हम लोग जरा ध्यान देना, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है अगर बच्चों जरा ध्यान देना, अगर स्कूल ने, मतलब बेसिकली जो कॉलेज है उसने अगर ऑलरेडी बच्चों के एग्ज़ाम ले लिए हैं बैकलॉग्स के ATKT, तो एग्ज़ाम्स वो अप्लाई होंगे, उनको फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते गाइज, फोर्थ पॉइंट यह बोलता है वाइवा टेकन, हाँ बच्चा, अगर कॉलेज ने ऑलरेडी कॉलेज ने ऑलरेडी वाइवा या प्रोजेक्ट ले लिया है तो उनको फिर से वाइवा एंड प्रोजेक्ट ये सब प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पांचवे पॉइंट क्या बोलता है गाइस, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो यूनिवर्सिटी है अपने लेवल पे एग्ज़ाम लेगी, अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेगी, इसमें क्लियर कट ये लोग ने बोला, जो भी डिसीजन होगा यूनिवर्सिटी का होगा, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेगी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है गाइस, स्टूडेंट को सीट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम्स के टाइम, जो भी है वो तो ठीक है। एट पॉइंट ये बोला है गाइस, जो भी इंफॉर्मेशंस, मतलब कॉलेज के पास वो MKCL साइट पे अपलोड करना है आपको। उसके बाद आपने 9 पॉइंट में ये बोला है, जो भी स्टूडेंट है आर्ट्स साइंस कॉमर्स के, जो भी उनका ऑलरेडी इंटरनल एग्ज़ाम टीम वर्क कुछ ऑलरेडी हो चुका है, 50th सितंबर हो चुका है पहले, तो 50th सितंबर को पूरा डिटेल्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज को। नेक्स्ट 10 पॉइंट ये बोल रहे गाइस, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका लोअर एग्ज़ाम में का कुछ भी पेंडिंग है रिजल्ट्स, उसको पूरा डिटेल सेंड करना पड़ेगा, स्टूडेंट के लोअर एग्ज़ाम्स की पूरी डिटेल मुंबई यूनिवर्सिटी को सेंड करने पड़ेंगे। और 11th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, 11th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, जो वाइवा होंगे, वो बेसिकली कैसे होंगे, जूम ऐप पर हो सकता है, गूगल ऐप पर हो सकता है, स्काई ऐप पर हो सकता है, व्हाट्सअप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है, ठीक है, इवन कॉल से भी हो सकता है, ये सब तरीका है वाइवा लेने का, ये लोग ने बोला है क्लियर कट। अब वाइवा क्या है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वाइवा कैसे देना है, क्या है, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके ऊपर, ये एक अलग से वीडियो आएगा, कल आएगा, ठीक है, नेक्स्ट।
12 पॉइंट की हम बात करें गाइस, 12 पॉइंट में क्या बोला है लोग ने गाइस, ऑनलाइन थियरी पेपर छे वेर पत्र ही रीड, हाँ जो भी इसका एग्ज़ाम का टाइम टेबल क्या है सब डिटेल वेटेल लेना आपको कॉलेज को देना है बच्चों को, तो ठीक है देना ही है। 13 पॉइंट ये बोला है गाइस इसमें, जो भी बैकलॉग स्टूडेंट है, एटीकेटी स्टूडेंट है, उनके जो एग्ज़ाम से 25 सितंबर से चालू हो जाने चाहिए सबको मालूम है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है फाइनल के रेगुलर स्टूडेंट है उनके एग्ज़ाम्स जो है वो 1 अक्टूबर को चालू हो जाने चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला है 17 अक्टूबर तक सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है एक स्टूडेंट को पीछे का केटी भी है और फाइनल एग्ज़ाम भी दे रहा है, ठीक है, तो उसका केटी का एग्ज़ाम बैकलॉग का एग्ज़ाम 25 सितंबर को चालू हो जाएगा और 1 तारीख से उसका रेगुलर एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और जो भी है सब 17 को कम्प्लीट हो जाना चाहिए कैसे भी। उसके बाद गाइस 14 पॉइंट ये लोग ने बोला है, हाँ 14 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी पोर्शन आएगा 13 मार्च तक कॉलेज ने जितना पढ़ाया है उतना ही पूछेगा, कॉलेज ने जितना पढ़ाया है उतना ही पूछा जाएगा, तो इसके लिए अब डिपेंड कर रहा जाएगा कॉलेज ने कितना पढ़ाया, कॉलेज को मालूम है ना, स्टूडेंट को मालूम है ना, हमें मालूम है, वो तो कॉलेज ही बताएगा, तो आप हो सकता है पोर्शन रिड्यूस होने का चांसेस है, इसमें एक बेनिफिट है, अगर कॉलेज बोले हमने इतना ही पढ़ाया तो एक आध दो चैप्टर गैप कर सकता है, वो डिपेंड्स ऑन कॉलेज, ठीक। उसके बाद गाइस ये सब 15 पॉइंट आपको भी मालूम है, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे MCQ फॉर्म में होंगे थियरी एग्ज़ाम्स, और 16 पॉइंट ये बोल रहा है जो भी एग्ज़ाम्स होंगे 15 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है 50 क्वेश्चंस होंगे। 17 पॉइंट ये बोल रहा है गाइस, जो जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जो लीड कॉलेज है जो बड़ी बड़ी कॉलेज है उनके जो प्रोफेसर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है MCQ का पेपर सेट करने का, ठीक है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है MCQ के पेपर सेट करने का गाइस, ठीक है यस बच्चों उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया पेपर सेट करने का, तो वो लोग बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक भी बनानी चाहिए ऐसा बोला गया है, देखते हैं। हाँ आपको 18 पॉइंट ये बोल रहा है सिंपल MCQ एक बार आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है अच्छी बात है। 19 पॉइंट ये बोला है गाइस अगर आप दिव्यांग हो मीन्स आप हैंडीकैप हो तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मीन्स आपको लाइक 80 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका। नेक्स्ट 20 पॉइंट ये बोल रहा है बच्चा, जैसे देखो सबका एग्ज़ाम सेम नहीं है, पहले मान बहुत सारे बच्चे लोग का एग्ज़ाम 60-40 पैटर्न का होता है, बहुत सारे 75-100 का पैटर्न है, बहुत सारे 80-120 का पैटर्न है, बहुत सारे बच्चे का 100 मार्क का एग्ज़ाम है BCom का जैसे, तो देखो सबका अलग अलग है, जैसे BAF का है 75-25 पैटर्न है, ठीक है BMS सबका अलग अलग सेक्शन है, खाली BCom थोड़ी है, तो आपका जितने भी मार्क का पैटर्न हो आपका एग्ज़ाम 50 मार्क का ही होगा MCQ, बाद में वो 50 मार्क को है ना आपके मतलब जो भी आपका पैटर्न उसके हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सपोज आपका 80-20 है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 मार्क्स के प्रॉपरली, ठीक है मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम 50 मार्क का ही होगा लेकिन आपका जो भी पैटर्न उसके हिसाब से कन्वर्ट करके मार्क कर दिया जाएगा। उसके बाद 21 पॉइंट ये लोग ने ये बोला है गाइस, ठीक है अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाता है सम रीज़न की वजह से तो उसको कॉलेज को बताना होगा, उसके लिए कॉलेज ऑफलाइन का व्यवस्था करेगी, ठीक है। 22 पॉइंट ए बोल रहा है गाइस आपको रिवेल्यूशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा बच्चों, रिवेल्यूशन एक बार एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद उसका चेकिंग वैकिंग कुछ भी रिवेल्यूशन नहीं मिलने वाला है। 23 ये बोल रहा है गाइस आपको, हाँ जो भी आपका एरिया होगा गाइस वहाँ पे जो कॉलेज है आपकी वो एरिया के पुलिस स्टेशन जो भी रिस्पेक्टिव लाइक इंचार्ज है उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और स्टूडेंट के लिए चीज़ों की अरेंजमेंट वो सब प्रॉपर करना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए। 24th पॉइंट ए बोला है गाइज यहाँ पे, ठीक है हाँ जो भी तरीके से एग्ज़ाम दिया जाएगा कॉलेज को स्टूडेंट को बताना चाहिए फॉर्मेट, तो ठीक है। और लास्ट पॉइंट ए बोला है गाइज, ठीक है हाँ तो 25 पॉइंट ये स्टूडेंट के लिए नहीं है बेसिकली, अगर कोई कॉलेज को कोई शंका है कोई डाउट है तो दे कैन कॉन्टैक्ट एट यूनिवर्सिटी या लीड कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये सब डिटेल्स है इसमें। और मैं आपको ये फॉर्मेट तो आपको बताई दिया गया, ये चीज़ें स्टूडेंट को भरवा के लेंगे कॉलेज वाले, बाद में कॉलेज वाले हो सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दें, मतलब जो भी चीज़ें ये लोग MKCL वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे।
आई होप आपको सब क्लियर हो गया गाइस, वेरी क्लियरली। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद एक ही था गाइस, आज का जो सर्कुलर है उसको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो गाइस मैं कल वाइवा के लिए एक कुछ वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। एमसीक्यू का आप चिंता मत करो, एमसीक्यू हम चालू करेंगे लाइव लेक्चर। थोड़ा दिन रुक जाओ, मैं अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा यार 10 पेपर के एमसीक्यू अरेंज करना थोड़ा टफ टाइम लगेगा, ठीक है। मैं चालू कर दूंगा, तो पहले एक वाइवा के लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस। मैं आपको लाइव पूरा एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ और वाइवा के लिए भी कुछ लेके आने वाला हूँ।